Good morning everyone, welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. Last time हमने किया था बहुत ही important topic internal structure of heart और ये सारी diagram में already draw थी, मैंने पहले से draw अब दोबारा करके रखी है. Reason है कि आज हम बहुत ही important topic करने जा रहे हैं and that is, let us write down the name of the topic, it is working of heart. Simple सा topic है और इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से हमने समझना है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने फ्रॉग में पढ़ा है ना, तो अगर हमने अच्छे तरीके से उसको समझा है तो इसको समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये डायग्राम को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये आप इसका, और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कहीं ड्रॉ भी करनी पड़ जाती है तो ये डायग्राम मैंने पहले लेक्चर्स में बना रखी है, वहां आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई है, किस तरह से हमने एक्सप्लेन की है. तो ये ऑलरेडी है, तो इसको देखकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. सो वर्किंग ऑफ हार्ट इज क्वाइट सिंपल. हमें पता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि जो फ्रॉग का हार्ट है वो बड़ा ही हॉलो, अंदर से खाली और मस्कुलर होता है. और जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने डॉर्सल व्यू है और ये इसका वेंट्रल व्यू है जो खोल के रखा है, इंटरनल व्यू है बेसिकली वेंट्रली. सो ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल साइड है और वेंट्रल साइड पे हमने इसको इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करके रखा है. अब हम यहां एक चीज देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो है कि कंट्रेक्शन ऑफ साइनस वेनोसस, कंट्रेक्शन ऑफ साइनस वेनोसस. देखिए ये साइनस वेनोसस से ब्लू में ये जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है साइनस वेनोसस है, और इसमें साइनस वेनोसस में आप देखिए कि दो प्री केवल्स आ रही हैं ऊपर से, ठीक है, और नीचे से पोस्ट केवल आ रही है. तो इसका मतलब है कि तीन बड़ी वेन्स इसमें एंटर होती है और ये हिस्सा पूरा ही ट्रायंगुलर हिस्सा बन जाता है. अब यहां क्या है कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पूरी बॉडी से जितना भी, क्योंकि ये वेनस सिस्टम के अंदर आता है, जितना भी हम कहेंगे डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो बेसिकली वो सारे का सारा ये कैरी कर कहां लाती है, दे ब्रॉट द ब्लड टू वर्ड्स द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरे जितना भी हिस्सा है बॉडी का फ्रॉग का, वहां सारे हिस्सों से, चाहे वो इंटीरियर साइड है चाहे वो पोस्टीरियर साइड है, सो हर जगह से वो ब्लड लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, बात ये ध्यान रखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम इसकी बात कर रहे हैं. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वो कहां आती है, दे एंटर इनटू द राइट ऑरिकल. तो देखिए ये फ्लो चार्ट भी मैं साथ साथ बना जा रहा हूं, ये राइट ऑरिकल में एंटर करती है. और राइट ऑरिकल में कैसे एंटर करती है, थ्रू ए ओवल एपर्चर, हमने याद रखा था. अब हम इस डायग्राम पे चलते हैं. देखो यहां पर ये जो हिस्सा पूरा ग्रीनिश हिस्सा है, दिस इज द लार्जर पार्ट जिसे हम राइट ऑरिकल कहते हैं, और यहां पर भी ये राइट साइड ही है, दिस इज द राइट ऑरिकल. तो दोनों को बेसिकली मैंने खोल कर रखा है, क्लियर. तो ये बेसिकली इस तरह से अगर है तो इसको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, तो इसको खोल कर रखा है. तो ये जितना भी ग्रीनिश हिस्सा है ये सारा राइट ऑरिकल है, और यहां ये भी राइट ऑरिकल, मैं यहां चलिए लेबल कर देता हूं, ये राइट ऑरिकल है, ठीक है, चलिए क्लियर हो जाएगा. और यहां पर भी ये सारे का सारा राइट ऑरिकल है जहां तक ग्रीन है. अब देखो साइनस वेनोसस जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैंने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी कर लाता है पूरी बॉडी से, और कहां वो पोर करता है, फोर्स करता है, पंप करता है इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू ए ओवल एपर्चर विच इज नोन एज, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस विच इज नोन एज साइनो ऑरिक्युलर एपर्चर. और अगर आप यहां देखें तो यहां आपको वेंट्रल स्ट्रक्चर में ये कहां दिखाई दे रहा है, देखो ये जगह जो है, दिस इज साइनो ऑरिकुलर एपर्चर, मैं इसको एसए एपर्चर लिख रहा हूं यहां. तो यहां हमने कंप्लीटली लिख दिया.
तो अल्टीमेटली राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, और यहां हम फ्लो चार्ट में भी लिख देते हैं थ्रू एसए अपर्चर। क्लियर है, इतना काम तो हो गया। मीनवाइल क्या होता है, मीनवाइल ये जो यहां जो ये पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, देखिए लेफ्ट ऑरिकल में क्या होगा, ये छोटा सा हिस्सा है लेफ्ट ऑरिकल जो ब्लैक पोर्शन में मैंने दिखाया, और यहां पर एक आपको ये डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, मैं इसको इस तरह से लेता हूं रेडिश पार्ट से ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हिस्सा, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट क्या है, दिस इज बेसिकली द कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। अब नेचुरली पल्मोनरी वेन्स दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यही वो वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हमें भी ऐसा ही होता है। अब देखो इसीलिए कहते हैं थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है ह्यूमन से। अब होता क्या है, द कंट्रेक्शन ऑफ द ऑरिकल्स, कंट्रेक्शन ऑफ द, अब बेसिकली क्या है कि ऑरिकल्स की भी कंट्रेक्शन होती है। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि मीनवाइल पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, दे ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। तो देखिए सेकंड, ये पहला हमारा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पल्मोनरी वेन्स they pump oxygenated blood, अब उनकी भी oxygenated blood into the left auricle through an opening, देखिए कौन सी opening है, मैंने अभी कहा through an opening, वो opening कौन सी है, known as, वो opening है common opening of pulmonary veins। ये जो opening है, ये जो यहां दिखाई दे रही है, इसके through oxygenated blood जो है इसके heart में चला जाता है। अब आप देखिए auricles में right auricle जो था वहां पे deoxygenated blood है, और left auricle जो है वहां पे कौन सा है, oxygenated blood है। तो यहां ध्यान देने वाली बात तो यही है, पहली पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है वो यही आता है, वो यही आएगा, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो देखो ये जो काम है ये कहां हुआ, राइट ऑरिकल में। फिर से मैं ये ध्यान, देखिए मैंने वही कहा है कि बड़े आराम से, और ये कहां हो रहा है, ये लेफ्ट ऑरिकल में हो रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अब साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन, अब सबसे बड़ी बात होगी कि इन दोनों की, राइट और लेफ्ट ऑरिकल की साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन होगी, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल्स। देखिए पॉइंट्स नोट करते जाइए, बोथ ऑरिकल्स। अब नेचुरली यहां आपको मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि यहां पर, यहां पर होता क्या है कि यहां पर होते हैं सेमी लुनार वॉल्स। इसके साथ साथ ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में देखिए ये डिमार्केशन भी आपको दिख रही है, विच इज नोन एज, इसे हम क्या कहते थे, कोरोनरी सल्कस। चलिए इसको भी लेबल कर देते, कोरोनरी सल्कस। और ये जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर है ये बेसिकली यहां वेंट्रिकल में खुलेगा थ्रू ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स, एवी वॉल्स के थ्रू, और यहां पर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइबर्स नजर आएंगे। हमने लास्ट टाइम भी इनको लेबल किया था, दीज ब्लू कलर्ड फाइबर्स आर नोन एज कॉर्डेट एंटेने। अब देखिए इसकी वॉल वेंट्रिकल की बड़ी इरेगुलर सी है, लास्ट टाइम लेक्चर में कहा था। अब होता क्या है कि ब्लड देखिए यहां से कॉन्ट्रैक्ट होकर इन वॉल्स के थ्रू राइट ऑरिकल से,
और लेफ्ट ऑरिकल से कहां पे आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। लेकिन अब हैरानी वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हमने अभी कहा कि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड है, यानी ये दोनों तरह के ब्लड इसी सेम पार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहां आ गया। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहां आ गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहां आ गया। तो कहने का मतलब है कि वेंट्रिकल में क्या आ गया? मिक्स्ड ब्लड। कि फ्रॉग के हार्ट में क्या होता है? वेंट्रिकल्स में मिक्स्ड ब्लड होता है। इट इज नॉट लाइक द ह्यूमंस। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब यहां से अल्टीमेटली किसका रोल अब शुरू हो जाता है? अब यहां तो आ गया, अब यहां से क्या होगा कि पूरी बॉडी में अब इसको सर्कुलेट होना है। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि मिक्स्ड ब्लड जाता है। अब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होगा? अब काम आता है, अब बहुत बड़ा रोल आता है इस पार्ट का, जो हमने ग्रीनिश पार्ट मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज द ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब किसका पार्ट है? लेट अस इरेज दिस। अब बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि अब इस पूरे मिक्स्ड ब्लड को हमने पूरी बॉडी में फ्रॉग के सर्कुलेट होना है, तो किसके थ्रू होगा? वो होगा ट्रंकस आर्टेरियोसस। इसके थ्रू अब इसमें सर्कुलेशन होगी। अब मैंने आपको कहा था कि ट्रंकस आर्टेरियोसस का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में दिया है और आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा। सो यहां पे क्या है, आप देखिए, ध्यान रखिए कि ट्रंकस आर्टेरियोसस में जब होता क्या है कि ये यहां पर बहुत सारे सेमिलुनार वॉल्व्स है, 3 सेमिलुनार वॉल्व्स है, और यहां अंदर ऊपर यहां पर भी कुछ इंटरनल वॉल्व्स होते हैं। मैंने बात की थी स्पाइरल वॉल्व होता है, ये यहां दिखाई दे रहा है ब्लू में ये स्पाइरल वॉल्व दिखाई दे रहा है, जो इसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब वो बात हम बाद में करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि यहां से मिक्स्ड ब्लड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? देखिए, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। फोर्सेस था मिक्स्ड ब्लड टू एंटर द ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस में जाएगा बाय ओपनिंग ऑफ सेमी लूनार वॉल्व्स एंड subsequently, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, subsequently क्लोजिंग ऑफ walls, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने पूरा ही लिख दिया। अब देखो होता क्या है कि यहां से ब्लड जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन सेमिलुनार वॉल्व्स के थ्रू इन एरियाज में एंटर कर जाएगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस एरिया में चला गया। अब जब वो यहां चला गया तो यहां ऊपर क्या आता है? स्पाइरल वॉल्व। ये स्पाइरल वॉल्व है क्योंकि ये इसका ट्रंकस आर्टेरियोसस का कोनस आर्टेरियोसस एरिया है, ऊपर वाला हमारा सिनेंजियम एरिया है, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां से जब ये ऊपर जाएगा, यहां पर ब्लड पहुंचेगा, तो यहां पर स्पाइरल वॉल्व की सबसे पहले ओपनिंग होगी, ताकि ब्लड जो है उसको पुश किया जाएगा टूवर्ड्स दीज ऑर्टिक आर्चेस। ये जो हमारी दो बड़ी ब्रांचेस निकल रही हैं, यहां पर भेज दिया जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, सब्सिक्वेंटली जैसे ब्लड अंदर गया, अब वापस ना आए, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो द सेमी लूनार वॉल्व्स क्लोज एन अप, वो बंद हो जाएंगे, यहां से ये सेमी लूनार वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो जाए, वापस ना आ जाए। क्लियर है? ये तो होना भी चाहिए। अब यहां से जैसे ही आगे को बढ़ेगा तो देखिए, सबसे पहले माना जाता है कि स्पाइरल वॉल्व खुलता है,
इसके अंदर के ये जो सेमी लुनार वॉल्व्स हैं, देखिए ये भी इसका एक वॉल्व है, ये आपको एक ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला, ये जो पहला वॉल्व, मैं इसको इस तरह से नंबर वन दे देता हूँ, ये एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है नंबर वन, एक और वॉल्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए एक और वॉल्व दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग जगह पे आपको वॉल्व्स, यहाँ थ्री इंटरनल एडिशनल वॉल्व्स होते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस के अंदर, तो जिसके थ्रू जब ब्लड आगे मूव करता है तो ये पीछे से बंद होता जाता है ताकि ब्लड जो है वापस बैक फ्लो ना हो। और ये तीनों वॉल्व्स बारी बारी से खुलते हैं और ये ब्लड कहां भेजेंगे, देखो कहां भेजेंगे, ये ब्लड यहां से देखिए इन आर्चेस में भेज देंगे, यहां से जाएगा यहां पर, ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है, जैसे ये यहां पहुंचा ब्लड, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे इस हिस्से में पहुंचा, अब यहां पर जब पहुंचेगा ट्रंकस आर्टेरियोसस के इस हिस्से में पहुंचता है तो यहां पर ये है, आप देखिए अलग अलग वॉल्व्स है, ब्लड यहां गया, ये ब्लू ब्लू पार्ट क्या है, इट इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ पल्मोक्यूटेनियस आर्च। यहां से ये जो दो हिस्से हैं, यहां से तो ब्लड चला जाएगा, चलिए ठीक है, यहां से निकला और अल्टीमेटली इन दो हिस्सों में चला गया। अब ये दो हिस्से जो है डिवाइड, आपको देखो मैंने ये डिवाइड किए हैं, ये बेसिकली दो हिस्सों में चले जाते हैं, सिस्टमिक आर्च और कॉमन कैरोटिड आर्च। ब्लड यहां चला गया, ये जो दो एरोज मैंने बनाया है। अब ये जो एरो है, जो ये ब्लू डॉट के पास है, ये कौन सा है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द पल्मोक्यूटेनियस आर्च। और यहां से दिस इज द कॉमन ओपनिंग, दोनों साइड है, दोनों साइड पल्मोक्यूटेनियस आर्च होती है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों साइड इसी कॉमन ओपनिंग से ब्लड एंटर करेगा और पल्मोक्यूटेनियस आर्च से होते हुए वो लंग्स और स्किन में चला जाएगा, क्योंकि हर एक ये जो आर्च है वो अलग अलग जगह पर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो देखिए एक बार एक माइनर सी चीज मैं फिर से बता देता हूं, ब्लड जैसे ही यहां से अंदर जाएगा, वेंट्रिकल से अंदर जाएगा, तो वॉल्व्स बंद हो जाएंगे ताकि वापस ना आए। फिर ब्लड वो कहां एंटर करता है, वो यहां से वॉल्व खुलेगा, स्पाइरल वॉल्व, और ये दो आर्चेस में चला जाएगा, सिस्टमिक आर्च और कॉमन कैरोटिड आर्च। यहां से ये जो एक और सेमी, दूसरा सेमीनुलर वॉल्व खुला है, यहां से खुलते हुए ये कहां चला जाएगा, ब्लड ब्लड एंटर कर जाएगा इनटू द कॉमन ओपनिंग ऑफ द पल्मोक्यूटेनियस आर्च, और पल्मोक्यूटेनियस आर्च से होते हुए वो नेचुरली, पल्मो मींस लंग्स, इनक्यूटेनियस मींस स्किन, तो स्किन और लंग्स के पास ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हर एक जो आर्च है ना, ये बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वो अलग अलग जगह पर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब देखिए ब्लड तो डिस्ट्रीब्यूट और ये क्या होती है, अब अल्टीमेटली काम किसका आ जाता है, फिर आ जाता है काम आगे देखा जाए तो रीनल पोर्टल सिस्टम है, वहां हमने नहीं जाना है। सो दिस इज अल्टीमेटली द वर्किंग ऑफ द हार्ट। इस तरह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वापस फिर कहां से आएगा, फ्रॉम द प्री कैवल्स एंड पोस्ट कैवल्स, वहां से फिर से वापस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अल्टीमेटली देखिए होता क्या है कि यहां पर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, यहां पर अल्टीमेटली अगर आप जब फ्रॉग को बड़े डिटेल में पढ़े तो वहां पर आप देखते हो कि देखिए आर्टीरियल सिस्टम भी है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है, इसका आर्टीरियल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यहां पर वेनस सिस्टम भी है, प्री कैवल्स हैं, पोस्ट कैवल्स हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन्स है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम है, तो ये सारा वेनस सिस्टम है। इसके बाद आप देखिए ब्लड भी यहां प्रेजेंट है और ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, लिम्फ भी होता है, और प्लाज्मा में आप जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इवन द थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर क्लॉटिंग, तो इनके ब्लड में ये चीजें भी होती हैं। इसके अलावा आप देखिए देयर इज लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहां फिलहाल हमें क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए सिर्फ इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना ही जरूरी है, जितना मैंने बोला है। मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से लेक्चर को सुने, क्योंकि जितना और जो पॉइंट्स लिखने वाले वो जरूर लिखे हैं। तो याद रखिए आर्टेरियल सिस्टम कौन सा होता है, आर्टेरियल सिस्टम वो सिस्टम है जो बेसिकली ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है हार्ट से दूर, इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
वेनस सिस्टम कौन सा है? इट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ब्लड हमने कह दिया कि यहां पर तीन हिस्से हैं, वो तीन हिस्से कौन से हैं? देखिए इसके पास आरबीसी भी है, इसके पास डब्ल्यूबीसी भी है, और इसके पास थ्रोम्बोसाइट्स भी हैं जो क्लॉटिंग में काम आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं। इसके पास लिम्फ भी है जो मिडल मैन है, जो बेसिकली ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में मटेरियल को ट्रांसफर करता है। और लिम्फ में याद रखिए, देर आर नो आरबीसी, ओनली डब्ल्यूबीसी एंड सम प्रोटीन्स। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिस कंप्लीट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। टाइम लगा लेकिन अच्छे तरीके से हो गया। अब इसके बीच में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नीट में बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। और मैं पहले भी कहता आया हूं कि मैं एकेडमिक पे फोकस इसलिए ज्यादा करता हूं क्योंकि अगर आपने एकेडमिक 11th और 12th अच्छी तरह से पढ़ ली ना, विद डायग्राम्स, तो समझ लो आपका 80% नीट का सिलेबस कवर हो गया। और 20% क्या है फिर बाद में, जो आपने वो जो होते हैं ना शॉर्टकट्स जो आपने वो अपनाने हैं, रिवीजन हो गया, टेस्ट पेपर्स करने हैं, तो उसको मैं मानता हूँ फिर 100% हो जाता है। तो 11th और 12th पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, अभी मैं MCQs पे नहीं पहुंचा हूँ या बाकी चीज़ों पे नहीं, अभी एकेडमिक पार्ट पर कवर कर रहे हैं। और होप हम ये अप्रैल तक एग्जाम होने से पहले सारा सिलेबस कवर कर लेंगे जूलॉजी का, तो उसके बाद देखते हैं फिर आगे आगे जैसे जैसे चलता है। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।